धर्मनगरी वृंदावन में फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उनके निर्देशों का पालन करते हुए जहां प्रशासन तेजी से कार्य कराने में जुटा हुआ है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी तैयारियों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी श्रृंखला में ऊर्जा मंत्री द्वारा रविवार को कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने मेला क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेला अधिकारी नगेंद्र प्रताप द्वारा कुंभ मेले में होने वाले कार्यों की जानकारी नक्शे के माध्यम से दी गई। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले को संरक्षित एवं देवराहा बाबा घाट से जुगल घाट तक के क्षेत्र को रमणीक बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। तो अभी कितनी सड़क दे रहे हैं आप यमुना तक आने के लिए? एक ही सड़क जी की मंशा है कि हाँ, भव्य दिव्य और क्लीन और ग्रीन और सुरक्षित कुंभ हो, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पूरा हमारा शासन प्रशासन सब लोग अपने काम को समय पर काम पूरा हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र बने, इसको भी बहुत जल्दी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। आने वाले समय में ये जो अभी हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, ये जो देवरा बाबा आश्रम से लेकर और जुगल घाट तक का जो स्थान है, ये भविष्य के लिए भी ये रिजर्व रहेगा। इसमें यमुना मैया के स्नान तक के हम लोग मार्ग बना रहे हैं और इसमें फलदार वृक्ष आने वाले समय में हम लोग वृक्षारोपण का भी काम पूज्य संतों के सहयोग से करेंगे। तो एक इसको एक बहुत रमणीक भगवान राधे और कृष्ण की जो लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, उसको उसी स्वरूप में हम लोग माँ यमुना जी के किनारे डेवलप करेंगे। मंदिर जी, आप राम मंदिर के दर्शन करने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, वो कहीं ना कहीं संजय राउत बार बार बहन कि संजय को धंधा बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने भी राम के अस्तित्व को नकारा था और शिवसेना कांग्रेस की सोबत में है, और इसलिए कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि पर भी कांग्रेस का प्रभाव दिख रहा है। इसलिए भ्रामक बयानबाजी शिवसेना के लोग कर रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। किसानों के आंदोलन तो बार बार चलता आ रहा है, बार बार बात। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और मैं भी किसान का बेटा हूँ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और जो कानून है वो किसानों के हित में है, लेकिन कांग्रेस और कुछ दल फ्रस्ट्रेशन में है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का किसान आदरणीय मोदी जी के साथ है, छोटे किसान, कुछ बड़े किसान हैं जो जिनको थोड़ा समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने बातचीत का निमंत्रण दिया और मुझे लगता है कि सम्मानित किसान हमारी जो बातचीत के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारा कोई मिस नहीं हुआ।